हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आधार कार्ड आज के समय में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर उस जगह पर किया जाता है जहां पर हमें आईडी प्रूफ देने की जरूरत होती है। यदि आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आप ये अच्छे तरीके से जानते होंगे कि आप किसी भी सरकारी स्कीम के लिए बिना आधार कार्ड के अप्लाई नहीं कर सकते। आधार कार्ड के इन्हीं सब महत्व को ध्यान में रखते हुए UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड धारकों के लिए आधार कार्ड को लेकर कुछ नियम जारी किए हैं। UIDAI के आधार कार्ड को लेकर जारी किए गए इन नए सख्त नियमों के बाद आपको आगे जाकर फ्यूचर में आधार कार्ड में कुछ भी चेंज करवाने के लिए भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं UIDAI के आधार कार्ड को लेकर जारी किए गए आधार धारकों के लिए नए नियम क्या हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को आधार कार्ड बनवाने के बाद अपने आधार कार्ड के अंदर जो उनका नाम होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंज या फिर अपडेट कराने की आवश्यकता पड़ती है। UIDAI ने आधार कार्ड में नाम बदलने या फिर नाम सुधारने की इसी प्रक्रिया को और ज्यादा मुश्किल कर दिया है। यानी कि आपके आधार कार्ड में आपका जो नाम है, यदि आप उस नाम को बदलना चाहते हैं या फिर आपके आधार कार्ड में आपका जो नाम है आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो अब आपको गैजेट नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर चाहे आपके आधार कार्ड में आपका जो पूरा नाम है आप उस नाम को बदलें या फिर आपके आधार कार्ड में आपका जो नाम है उस नाम के आप कुछ अक्षर को बदलें, दोनों ही कंडीशन में आपको गैजेट नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, गैजेट नोटिफिकेशन के साथ में आपको अपना दूसरा एक कोई आईडी प्रूफ भी देना होगा। आपको आधार कार्ड में नाम बदलने या फिर नाम को अपडेट कराने के लिए आईडी प्रूफ देते समय इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि जो भी आईडी प्रूफ आप दे रहे हैं उस आईडी प्रूफ में भी आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आपके आधार कार्ड में भी वही नाम अपडेट किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि आप नाम बदलने के लिए आईडी प्रूफ में अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, अपना सर्विस आईडी कार्ड दे सकते हैं, और यदि आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप आधार कार्ड में नाम बदलने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर अपना पासपोर्ट भी दे सकते हैं। अब यदि आपके आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी जन्म तिथि गलत है, आप उसे अपडेट कर उसे भी बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए भी नया नियम लागू किया गया है। और ये नियम लागू किया गया है 18 वर्ष से कम आयु के आधार धारकों के लिए। यानी कि यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है और आप अपने आधार कार्ड में अपनी जन्म तिथि को बदलना चाहते हैं, तो अब आपको जन्म तिथि के बदलाव के लिए केवल राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र को देना होगा, क्योंकि जन्म तिथि बदलने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र को ही मान्यता दी जाएगी। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब से पहले पासपोर्ट और SSLC किताबों को प्रमाण के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता था, परंतु अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। परंतु यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यदि आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है तो आप आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ बदलने के लिए SSLC किताब का इस्तेमाल अभी भी कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको किताब के कवर पेज पर एड्रेस पेज और मार्कशीट की सही कॉपी देनी होगी। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसके ऊपर बोर्ड सचिव का साइन और मोहर लगी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि SSLC किताब जो भी आप दे रहे हैं उसके ऊपर नाम और आधार रिकॉर्ड में दर्ज नाम सही मेल खाने चाहिए, तभी 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में बदलने को लेकर इसे स्वीकार किया जाएगा। UIDAI की ओर से आधार धारकों के लिए इन दो प्रक्रिया को तो मुश्किल कर दिया गया है, परंतु आधार कार्ड में एड्रेस बदलने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। यानी कि यदि आपके आधार कार्ड में आपके घर का पता गलत है, आप उस पते को बदलना चाहते हैं, तो अब आप पब्लिक सेक्टर के बैंक पासबुक को एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु बैंक की पासबुक एड्रेस प्रूफ के तौर पर देते समय आपको इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि जो भी आप बैंक की पासबुक दे रहे हैं उस बैंक के ब्रांच मैनेजर आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसमें ये पुष्टि होगी आपके घर का पता बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज है और आपकी EKYC का प्रोसेस भी पूरा हो चुका है। यहाँ पर आपको वीडियो में चलते चलते ये भी बता दें कि यदि आप अपना नाम या फिर जन्म तिथि बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आधार केंद्र पर जाना होगा, क्योंकि आधार कार्ड में केवल घर का पता बदलने की सुविधा ही ऑनलाइन दी जाती है। आप यहाँ UIDAI की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये है UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए आधार कार्ड को लेकर आधार धारकों के लिए नए नियम। आधार कार्ड से रिलेटेड और ज्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी आधार कार्ड की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन का ऑल पर सिलेक्ट करें। यदि आपने चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।